पीएम मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति साम्या सुलहू हमन से नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान कई अहम समझौते पर सहमति बनी। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और तंजानिया के संबंधों के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक है। आज हम अपने वर्षों पुराने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से भी जोड़ रहे हैं। आपसी व्यापार और निवेश के लिए भारत और तंजानिया अहम सहयोगी देश हैं। दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। आईटी, आईसीटी सेंटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग और डिफेंस ट्रेनिंग के जरिए तंजानिया में स्कूल डेवलपमेंट और क्षमता निर्माण में भारत ने अहम योगदान दिया है। जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं और तंजानिया के लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के फैसले से दोनों देश इन जंगली जीवों के संरक्षण के लिए वैश्विक समन्वय से बेहतर काम कर सकेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने का निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। आज हमने स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर बल दिया। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस इनिशिएटिव्स की पहचान करते हुए हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, आज हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरिटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे मजबूत और सदियों पुराने पीपल टू पीपल टाइज हैं। गुजरात के मांडवी पोर्ट और जंजीबार के बीच 2000 साल पहले व्यापार किया जाता था। भारत की सीधी ट्राइब का ओरिजिन ईस्ट अफ्रीका के जांज कोस्ट पर हुआ। आज भी बड़ी मात्रा में भारत के लोग तंजानिया को अपना दूसरा घर मानते हैं। उनकी देखरेख के लिए तंजानिया से मिल रहे समर्थन के लिए मैं राष्ट्रपति हसन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।